तो भाई रात से चार बार प्लान चेंज हो चुका है। पहले हम आए थे घर से शिमला बोल के लाया था ना, शिमला पहले शिमला, फिर उसके बाद ऋषिकेश, उसके बाद बिरबिलिंग, नहीं उसके बाद कुफरी, कुफरी उसके बाद बिरबिलिंग, अब बिरबिलिंग फाइनल हुआ है। बैठे अब अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है, कभी भी प्लान चेंज हो सकता है, कभी भी मुड़ सकते हैं भाई। भाई कुछ भी नहीं कह सकते, अभी तो बस बैठे निकल, कहीं तो गाड़ी मुड़े वहीं खड़ी है। तो भाई निकल गए हैं फाइनली बिरबिलिंग के लिए। पहले यहाँ से जा रहे हैं मंडी, चिकन मंडी नहीं, मंडी घूमने वाली जगह है। निकल चुके हैं मंडी तीन टट्टों के साथ फाइनली। टेक अवे लिया था, यहीं खाने लगते सारे के सारे। भाई गाड़ी में नहीं खाना क्या? भूख लग रही है भाई, यहीं खा लिया, क्या करें भाई। ड्राइवर को खाने दो, बाकी गाड़ी में बैठे खाएंगे क्या? कैसे ही ना बताओ। तो भाई निकल गए अब कहाँ के लिए? बिरबिलिंग निकल गए। बीच में रास्ते में रुके थे कुछ खाने पीने के लिए, बैग दिए वगैरह, तो मैं तो गाड़ी में खा रहा हूँ, इन्होंने वहीं पे खा लिया था। तो भाई दीप का पंतीस ने शुरू करी पहले, अंजिका बर्गर दीप ने खा लिया। मैंने बोला भूख लग रही है मेरे को, बर्गर खाने, और नहीं 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 गाड़ी में खाएंगे। अब दोनों लड़के बैठे आपस में मुंह सुड़ा के, क्या हो गया भाई? अंजे अब होता रहता है, कोई नहीं भाई, खाने की आदत ऐसी कोई नहीं। दीप और पर खिलाएगा तेरे को, बचपन से पता है कौन दीप खिलाएगा तेरे को रास्ते में, वहाँ रुकेंगे ना, हवेली रुकना है ना, वहाँ खिलाएगा दीप, वहाँ खाएंगे। ठीक है दीप, दो बर्गर खिलाएगा ये। एक अपना ये बैठा मुंह से जाके, क्या हुआ बे? तो इसकी ये हरकतें हैं, बदतमीज है ना थोड़ा सा, बचपन से ऐसा ही है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना ये आगे का व्यू है कुछ, ये दो जाने बैठे। हाँ भाई अल्ले, क्या हाल है? प्रदीन अपना गदरी नंबर एक, तो निकल गए हैं, इसके साथ बैठना पड़ेगा, क्या करें। धर्मशाला वेलकम हो गया है, सामने पहाड़ देखो। कौन बंदा दी जीती है? बंजी जंपिंग, आई मीन पैराग्लाइडिंग। आई मीन क्या होता है भाई बता? मीन और क्या, वो कह रहा है आई मीन पैराग्लाइडिंग और अलग अलग होता है भाई। ज्यादा वोकैबुलरी ना चाट, बस 15-20 मिनट पहुंचेंगे, फिर दिखाते हैं आपको ऊपर का नजारा। मस्त, ऑलमोस्ट पहुंच गया, ऑलमोस्ट, वो देखो भाई कितने मजे कर रहे हैं भाई, ऑलमोस्ट लैंड होने वाले हैं भाई। टुल्ले आगे, टुल्ले आगे, आगे तीन तीन ये ड्राइवर राइडर है इंडिया की भाई, हम भी ऐसे ही उड़ते हुए दिखेंगे। ऐसा लग रहा है तेरी कोई चील वील है, टॉप ले जाएगी, मस्त लग रहा है। पहुंचते भाई, आ रहे हैं तुमसे मिलने भाई, बस पहुंचने वाले हैं। प्यारा ये तो करने ही वर्थ इट लग रहा है। टाइम था ये भाई साहब, कितने बजे पहुंच रहे हैं हम? पहुंचे भी नहीं अभी भाई, पहुंचे भी नहीं, पौने तो हो गए अभी तक, पहुंचे तक पौने तो हो गए हैं। पैराग्लाइडिंग बंद हो जाती है भाई शाम को, और अभी तक रास्तों में भटक रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं खड़े होके, ये नहीं निकल जाए टाइम से। ये ड्राइवर भाई साहब हमारे इतने चमन है ना, गाड़ी नहीं चलाई जा रही इनसे। हिमाचली है, इसका स्लैंग इतना प्यारा है ना, इतने प्यार से बात कर रहा है, बोलो कुछ बोलो भाई, बात करते हुए इतना प्यारा लग रहा है। बस अब दिखाएंगे ऊपर पैराग्लाइडिंग के नज़ारे, मिलते हैं आपसे। वीडियो स्टार्ट है, फाइनल चेक, 1 and 2, डोंट टच योर लॉक्स, ओके भाई। उड़ने के लिए तैयार है, पैराशूट अपना रेडी है, तो निकलते हैं अपनी जर्नी पे। गदरी नंबर 2 आपके सामने, पैराशूट अपना उड़ रहा हवा में। चलो भागो, आप कहाँ भागू? आगे भागो, भागो एनर्जी के साथ भागो, बैठो मत, बैठो मत, भागते रहो, भागते रहो। पैराशूट ऊपर ब्लू रंग का है, हम तो वाइट है, निकल गए। ये देखो व्यू, ये देखो हमारा व्यू, वर्थ इट है यार, वर्थ इट है, करो हिमाचल आओ। और ये ना किया फिर क्या किया यार, घूमना कैबों में कोई फायदा नहीं, यहाँ घूम मस्त। अच्छा लग रहा है हमें, बहुत नीचे ये है, वहीं जाएंगे, यही जाएंगे, यही ना।
लैंड करेंगे पैर ऊपर रखने वरना टूट जाएंगे। भाई कैसा रहा, मजा आया? बहुत मजा आया भाई, बिल्कुल ही बुरी सी लैंड कर गए, ये होता स्पॉट, सब उतर रहे। इतनी बड़ी स्ट्रीमर तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा होगा, ये कह दो इतना बड़ा स्ट्रीमर। यहाँ मस्त वाटरफॉल हो रहा है, गाने बज रहे हैं अपने साथ, अपने मोमोज आ गए। तो भाई अपना रास्ता है, पैराग्लाइडिंग हमने डन कर ली है। पैराग्लाइडिंग कैसी लगी भाई? मजा आ गया, मजा। ये तो इसको रिग्रेट होगा भाई बहुत दिन के बाद। डर लगता था इसलिए, पर डर वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, और मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ भी डर वर नहीं था भाई। अब जा रहे हैं अपना कुछ पूल वूल में तैर लगाने, वहीं पे देखेंगे खाने पीने का सीन है। पीछे पूरे जंगल मस्त एकदम खुले हुए भाई, रोड है बेकार से, रोड एकदम। चल आए और धाम खा लो, 80 रुपए पर प्लेट पड़ेगी, पेट फुल। गाड़ियां रुकी हुई है यहाँ पे, फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए भी पूरा एक एरिया है। कैसे लगी देसी दारू? तो भाई ये लोकल सी मार्केट है। हाँ भाई लॉन्डो क्या खाने आए हो? धाम है यहाँ पे लोकल, वो है थाल, कोई कड़ी वड़ी सब कुछ उसमें, सब कुछ होता है, ऐसे कुछ बोला था। कहते दारू, दारू की बोतल में निकला जूस, जा देखो वही दारू, जा देखो वही दारू, दारू इज लव ब्रो। तभी छोड़ गया ना, खाने आए हैं, बड़ी फेमस सी है कहते हैं, देखते हैं कैसा है। ये देखो कुछ ऐसे ये पतीले वगैरह रखे हुए कड़ी वगैरह के लिए, देखते हैं कैसी होती है कैसी नहीं। प्लेटें होती हैं इनकी, जिसमें चावल है एक साइड, चने, ये कड़ी, ये राजमा एक में। कैसा है? भाई मस्त अपनी बन रही फ्रूट चाट, 100 रुपए पर प्लेट, मस्त कान में ब्लूटूथ। कटिंग स्पीड देखो भाई, टेस्टी है भाई, बनाई बंदे ने, नंबर ऐसा कोई चीज नहीं है जो छोड़ी हुई, खीरे तक डाले भाई बंदे ने, खा ले भाई वो स्नैप बाज खा ले। तो भाई मंडी के लिए निकल गए यहाँ से, मस्त अपना गाइड बैठा गाड़ी चला रहा, बता रहा है यहाँ पुल टूटा, ये टूटा, वो टूटा, अभी ना टूटे बस। ये देखो भाई साहब, गर्मी है नहीं, धूप है नहीं, चश्मा लगा के गाड़ी में अच्छा खींच के बन रहे हैं, बोलना नहीं चाहेंगे हम। और ये रहा अपना कुछ व्यू, ये रहा गदरी नंबर एक। ये भूखे को नॉनवेज खाने की ऐसी तलब थी ना जैसे पहली बार वगैरह बने हुए हैं, स्विमिंग पूल है यहाँ पे, आए देख ले कैसा होता है कैसा नहीं होता, आज पहली बार ट्री हाउस में भी आ रहे हैं। तो ये ट्री हाउस है, लो हाउस है, देखने के लिए रहने के लिए कोई ढंग की जगह। एक खास चीज थी उसके पास स्विमिंग पूल, जो कि वही सड़क वाला लैंड रॉव, घर वापसी चिकन बना हुआ, चिकन खा के मस्त। भैंस देखिए, भैंस खिड़की में से मुंह निकालते हुए, ये देखो भैंस। यो ब्रो ऐसे मजा आ रहा है मेरे को मजा आ रहा है, दिक्कत मुझे मजा आ रहा है ना, तीसरी टनल है भाई, चलो हिमाचली कर जैसे कहते। ये अमन अपनी नानी से मिल रहा है, घर देखो कितना प्यारा बने, गए थे नाक फूट गई जमीन पर, बच गए बाल बैठ गए सारे, ठीक है सेक्सी बैठने दो, हम लग रहे हैं तो बस फिर बैठे हुए चाइनीज बॉय लग रहे हैं भाई, मेरे को भी दिखा, फेमस होना वो मेरा ब्लॉग बैन कर देंगे गंदी शक्ल आयुष लोला